कुशीनगर ब्रेकिंग न्यूज। खेसारी गिधा में चला प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन ने खाली कराया खलिहान की जमीन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चला बुलडोजर, कई सालों से था ग्रामीणों का अवैध कब्जा, दोबारा कब्जा न करने पर दी गई सख्त चेतावनी। देखिए विश्वामित्र राठौर की रिपोर्ट। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाल वाला बेल आइटम बटन दबा लें। सपा से 3 किलोमीटर दूर स्थित खेसारी गिधा में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को प्रशासन द्वारा अवैध खलिहान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जो वर्षों से कुछ ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया था। तहसीलदार मानधाता प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटवाया एवं भविष्य में दोबारा कब्जा न करने की सख्त चेतावनी दी। जानकारी के मुताबिक खेसारी गिधा में वर्षों पुरानी गांव की खलिहान की जमीन है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा ठूस का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत लोगों ने कई बार SDM से की थी। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और ये मामला कोर्ट में चला गया, जिसके पश्चात हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसी क्रम में प्रशासन ने बुधवार के दिन तहसीलदार की अगुवाई में बुलडोजर चलाकर जमीन को खाली करा लिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पक्ष विपक्ष में काफी गहमा गहमी होने लगी एवं माहौल गर्म होने लगा। इस दौरान कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार कश्याम आशीष गुप्ता, प्रभारी कानूनगो ब्रजेश मिश्रा त्रिपाठी, राजन मिश्रा SI, प्रदीप कुमार चंदन मौर्य, महिला उप निरीक्षक अंजलि त्रिपाठी एवं वकील कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद रहे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर प्रशासन द्वारा चलता हुआ बुलडोजर आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पूरा वीडियो। जहां एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों में नोकझोंक होने लगी। जानकारी के मुताबिक खेसारी गिधा गांव में बुधवार के शाम प्रशासन की ओर से जब अवैध कब्जा हटवाया जा रहा था, देखने के लिए पहुंचे कस्यान कस्बा निवासी अरविंद गुप्ता पर एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो वहीं मौके पर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उनकी कस्यान CHC में अस्पताल पहुंचाया, चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर लिया एवं जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कस्यान कस्बा निवासी दिनेश गुप्ता ने पुलिस को एक रिपोर्ट में दिया कि एवं आरोप लगाया कि उनके भाई अरविंद गुप्ता बुधवार की शाम खेसारी गिधा गांव में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटते देखने के लिए गए थे। इस बीच गांव के ही एक व्यक्ति ने पुरानी रंजिश में धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस संबंध में SHO डॉक्टर आशुतोष तिवारी ने बताया कि तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अवैध जमीनों को लेकर के योगी सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ है। CM योगी ने कहा है कि जमीन सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए। गांव में यह गंभीर विवाद का कारण है और इससे कड़ाई से निपटा जाए। गोचर जमीन पर अवैध कब्जे का पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त करने के लिहाज से अलग अलग पोर्टल बनाए जाएं। उन्होंने कहा है कि 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं जो भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करे। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही आगे खबरें जानने के लिए कृपया करके आप मेरा चैनल शीतला था मधुपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाल वाला बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएं और आप उसे देख सकें। शीतला था मधुपुर YouTube चैनल।